हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजरुल अलीम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, जो हमारी जो नोजल्स होती हैं, ये देखिए, जो टूट जाती हैं तो होल्डर में हमारा बल्ब ये लग नहीं पाता, लगाते ही हम नीचे गिर जाता है। ऐसा इसे कैसे रिमूव करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, अब हम इसे चेंज करके दिखाएंगे कि ये कैसे चेंज होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले बल्ब को पूरा खोलना पड़ेगा। ये हमारा बल्ब है, कितने वाट का, 50 वाट का बल्ब है ये, ओरिएंट का। अब इसे हम कैसे खोलते हैं, इस कैप को, ये देखिए, ये हमारा खुल गया। पहले हम इन तीनों पेचों को खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन तीनों पेचों को खोलेंगे हम। जी, हमने तीनों पेच निकाल लिए। अब हमारा तीनों पेच खोलते ही गए, जो हमारा नीचे से जो खुल गया, जो हमारे पेच थे इनसे कसे हुए थे। ये हमारा एलईडी ड्राइवर है, ये देखिए, ठीक। इसे हम सिंपली रिमूव कर लेंगे आयरन की मदद से। ये देखिए, इसे हम यहाँ से डिसोल्ड कर लेंगे, ठीक। ये हमारा डिसोल्ड हो गया, निकल गया। अब हम इसे चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, पहले हम इसको उखाड़ लेंगे इसके अंदर से। ये अपना हमारा सिंपली उखड़ गया। अब इसकी जगह पे हम दूसरा लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, चलिए। हमने ये हटा ली है, जो ख़राब वाली थी हमारी, जो देखिए, जो हमारी ख़राब थी, इसमें ना जे था ना एक जे थी, तो ये हमने निकाल लिया है इसके अंदर से। अब इसकी जगह पे हम दूसरा लगाएंगे, उसके अंदर बिल्कुल फ्रेश है ये। जो देखिए, ऐसा लगाने का तरीका है, ऐसे ये ऐसे लगा के, इसकी एक पंचिंग मशीन भी आती है, उसमें लगा के प्रेस कर दें। यदि हमारे पास वो नहीं है तो हम कैसे लगाएं, इस ये हमारा किसी दूसरे पुराने बल्ब में से निकाला हुआ है, तो इसमें पंच हुए हुए हैं, तो हम इसे लगाएंगे तो ये हमारा टाइट तरीके से जाएगा। तो हम इसका कस के दबा देंगे तो इसमें प्रेस लग जाएगा, फंस जाएगा ये तो। और फिर भी हमारा और ज़्यादा मजबूती के लिए, हमारा जो बल्ब बड़ा है और भारी है, तो और मजबूती के लिए हम इसमें बॉन्ड फिक्स लगाएंगे। वो कैसे लगाते हैं, देखिए, हम इसके चारों तरफ इस ये बॉन्ड फिक्स लगा देंगे, जिससे कि ये चिपके रहे। ये देखिए, ये हमने लगा दिया। अब हम इसे सिंपली लेंगे कस के इसके अंदर। ये देखिए, इसका डायरेक्शन देख के, जो इसके अंदर खांचे दिए हैं उसका डायरेक्शन देख के, उसी हिसाब से हम जो हमारे जो सॉकेट हैं उसी डायरेक्शन में लेके हम इसे लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसमें देखा, ये देखिए, इसे हम लेके कस के दबा देंगे ऐसे। ये हमारा कस के दब गया, ठीक। जे देखिए, हमारा जे पूरी तरह से लग गया। अब हम इसके अंदर तार लगाएंगे, इसके जो हमारे तार हैं, हमने इसे यहाँ से सिंपली आयरन की मदद से निकाल लिया है सर्किट को। हम इसके अंदर तार लगाएंगे, जो देखिए हमारा वायर आ गया जी। हम इसे नीचे की तरफ दबा देंगे, ठीक, और इस पर हम सोल्डिंग कर देंगे आयरन की मदद से, इसे सोल्ड कर देंगे। जी देखिए, हमने जी हमने आयरन की मदद से इसके अंदर दोनों वायर लगा दिए। ये देखिए, हमने दोनों लगा लिए हैं वायर।
ठीक है, अब हम इसे इसके अंदर खांचे दिए हैं, उसके अंदर इस सर्किट को फंसा लेंगे। देखिए ये, देखिए हमने इसे फंसा दिया, सर्किट को इसके अंदर लगा दिया है। अब हम जो वायर हैं अब इसके इससे कस देंगे ये वायरों को, कि हमने यहाँ से निकाले थे। जो देखिए हमने जो वायर बाहर निकाल लिए, जो हमारा लग गया, पहले हम इसमें जो पेच कस लेते हैं, ये पेच हम इसके अंदर कस लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इन्हें हम कस देते हैं। ये देखिए हमने कस दिया, अब हम इसे सोल्ड कर देते हैं इन वायरों को। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हो कि एलईडी बल्ब कैसे रिपेयर होता है वो भी हमारी वीडियो है, हमारे आई बटन में हम तुम्हें दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए हमारे आयरन से टाके हो गए, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम इसे लगाते हैं, ये देखिए लग गया। अब हम इसे चेक करते हैं, ये देखिए हमारा ये लग गया। अब हम इसे चेक करते हैं, ये देखिए हमारा कैसा ग्लो कर रहा है, बेहतरीन। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।